नमस्कार जी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी बोर्ड अध्यक्ष ने दी है बड़ी खुशखबरी। 10वीं 12वीं कक्षा का जो परीक्षा है वो 22 सितंबर 2020 से होने वाली है। पूरी इन्फॉर्मेशन देखिएगा क्या कुछ बोर्ड अध्यक्ष ने जानकारी दी है। लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। देखिएगा न्यूज़ जानने से पहले एजुकेशनल ऐप के बारे में। डाउट नेट पे होगा अब आपके सभी डाउट, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12वीं से लेकर के नीट, आईआईटी, जेईई मेन एडवांस सभी की क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिएगा हरियाणा बोर्ड 22 से परीक्षा की तैयारी में। कोरोना महामारी में सब रुक रुक कर है, परीक्षा भी पूरी नहीं हो पाई थी। अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने रीअपियर ओपन और जेबीटी परीक्षा की तैयारी कर ली है। 22 सितंबर से प्रदेश में परीक्षाएं कराने के लिए बोर्ड ने सरकार से इजाज़त मांगी है। हालांकि अभी जवाब नहीं मिला है, इसके बाद ही तैयारी होगी। कारण है बड़ी परीक्षाओं की भी अंतिम वर्ष की अभी परीक्षाएं चल रही है। प्रदेश में 24 मार्च से लॉकडाउन के कारण परीक्षाओं में को रोक दिया गया था। बोर्ड ने फिर 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया। इसमें कई की कंपार्टमेंट आई, दोबारा परीक्षा देने के लिए लेट फीस के साथ फॉर्म भरे जा रहे हैं। साथ ही ओपन की परीक्षाएं भी बोर्ड की तरह से करवाई जानी है। साथ ही बोर्ड ने जेबीटी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ कराने का निर्णय लिया है। वह परीक्षाएं जुलाई अगस्त में होती है, ठीक है भाई। ये भी परीक्षा करवाने का अब बोर्ड ने लिया है। 1.5 लाख देंगे परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज है भाई, यानी कि 1.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं। अंतिम तिथि आज है, अगर आपने रीपेयर का फॉर्म नहीं भरा तो भर दीजिए। अब सरकार से जवाब का इंतजार है। सरकार के पास अपना पत्र भेजा है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कि हम 22 सितंबर से परीक्षा करवाना चाहते हैं। अगर सरकार जल्द जवाब देती है तो 12 सितंबर से परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। सभी के साथ शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।